दिग्रस तहसील के कलसा गांव में अवैध रूप से जारी शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग सामने आई है। सोमवार को कलसा के महिला बचत गट की महिला सदस्यों गांव के नागरिकों ने इकट्ठा आते हुए दिग्रस पुलिस स्टेशन और तहसील कार्यालय के नाम ज्ञापन सौंपकर कलसा गांव में धड़ल्ले से जारी शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। तहसीलदार सुधाकर राठौड़ को ज्ञापन सौंपकर इन महिलाओं ने उन्हें बताया कि शराब की लत में डूबकर गांव की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। शराब के नशे में तो नशेड़ी लोग गांव का वातावरण दूषित कर रहे हैं। गांव में ज्यादातर गरीब तबका रहता है जिन्हें दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। ऐसे में गाँव में शराब बिक्री केंद्र शुरू होने से लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। दरवाले म्हणते पैसे आणा म्हणते आम्ही तुझून द्यावं पैसे उजुरी करा पोट भरा घराच्या बाहेर निघावं लागते आम्हाला दरसाठी त्याच्यासाठी म्हणतो का आम्ही काय करावं ते आम्हाला त्या बंद करावं काही माहिती आमचे बंद झाले पाहिजे उद्या नातू आले आमच्या घरात बंद झालं पाहिजे ठिकाणी आखरीपर्यंत झालं पाहिजे। सूत्रों ने बताया कि कभी गांव में शराब बनाकर तो कभी दिग्रस शहर से शराब लाकर यहां रोजाना शराब बेची जा रही है और शराब बेचने का तरीका भी बेहद शर्मनाक है। सूत्रों के अनुसार शराब का ठेका खुलते ही यह डपली बजाई जाती है ताकि पियकड़ों को इसकी आवाज सुनाई दे और इस संकेत को समझकर वो ठेके पर चले आए। इस शर्मनाक हरकत के पीछे स्थानीय प्रशासन की चुप्पी भी एक बड़ी वजह है। ऐसे में कलसा गांव की महिलाओं की दारूबंदी की मांग को लेकर तहसील प्रशासन और पुलिस क्या रुख अपनाती है ये देखने वाली बात होगी। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।